कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे ही बदल गए। एक ऐसा जिलाधिकारी जिसने बदल दी कासगंज जनपद की तस्वीर। ईमानदार, साफ सफाई पर हमेशा ध्यान देने वाले अधिकारी है ये। स्वच्छता का पुरस्कार राष्ट्रपति से प्राप्त करने वाले हैं ये अधिकारी। यह है जनपद कासगंज के जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह। हम आपको दिखाएंगे जिलाधिकारी की पूरी कहानी। ये है जिलाधिकारी श्री चंद्र प्रकाश सिंह। जब हमारे संवाददाता ने कलेक्ट्रेट के सामने टर्री वाले से पूछा कि डीएम साहब कैसे हैं, तो वह बोला ये ईमानदार हैं और साफ सफाई पर ज्यादा ध्यान रखते हैं, मिलनसार हैं और अफसरों का आवाकावा नहीं है। लोगों से बात करने में विरोधी भाषी चीज मिला, कुछ लोग इन्हें बहुत सख्त कहते हैं। इतना कुछ पत्रम पुष्पम वाले अधिकारी इनके आते ही जनपद छोड़ दिए। कुछ लोग इन्हें बहुत नरम कहते हैं, कठोर होने की बात सिरे से खारिज करते हैं, पर हमारा तो मानना यह है ना नरम है ना कठोर है, ये सिर्फ फल है, ऊपर से कठोर भीतर से नरम। इनकी साधारण पृष्ठभूमि इन्हें असाधारण बनाती है। इनकी कार्य संस्कृति वाड़ी लैंग्वेज व एनर्जी लेवल कुछ ही महीने में जनपद के भारत के नक्शे पर कासगंज को ला दिया है। पिछले माह कासगंज इनके उत्कृष्ट पर्यावरणीय कार्य व जल संरक्षण के कारण गूगल पर सर्वाधिक सर्च करने वाला जनपद बना है। कासगंज आने से पूर्व स्वच्छता के मामले इन्हें स्वच्छता का पुरस्कार राष्ट्रपति से प्राप्त हुआ है। जब पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन उत्सर्जन, पर्यावरण व पानी की समस्या को लेकर हाहाकार मची हुई थी, यूनाइटेड नेशन में स्वीडन की एक 15 साल की लड़की ग्रेटा थनबर्न पूरी दुनिया में नेताओं को डांट रही है, आपकी हिम्मत कैसे पड़ी पर्यावरण व हमारे भविष्य को बर्बाद करने की। उससे बहुत पहले एक सरकारी अधिकारी एक नौकर सहा एक वेलफेयर स्टेट को साकार कर रहा था। जनपद के पढ़ने वाले किशोर छात्रों को एक दिन का डीएम बनाकर उनके भीतर एक आग जला दी है। यह सर्वथा नया प्रयोग था। बूढ़ी गंगा का जीर्णोद्धार करना व केवल पानी संकट को दूर करेगा बल्कि पर्यावरण संतुलन में एक बड़ा भूमिका अदा करेगा। अगर इनकी गंगावन की अवधारणा मूर्त रूप ले ले तो चंद्र प्रकाश से यहाँ एक लोक स्मृतियों में एक अफसर कम एक भागीरथ या एक गंगा पुत्र या दशरथ माझी जैसे अमर हो जाएंगे। आप प्लेटों के दार्शनिक शासक जैसे हैं, केवल व केवल जनहित से मतलब। अफसर तो आते जाते रहते हैं पर अच्छे अफसर रुकते कहां हैं। कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे बदल गए। कासगंज उत्तर प्रदेश से टाइम्स 18 न्यूज के लिए संवाददाता रोहतास कुमार की यह खास रिपोर्ट।